नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं आपको सेहतमंद बनाने वाला जीवा हेल्थ शो विद डॉक्टर प्रताप चौहान। सर, जे हिंदुस्तान के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार। आए दिन हम सुसाइड की खबरें देखते और सुनते हैं। कोई ट्रेन के सामने आ जाता है तो कोई ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, कोई फांसी के फंदे पर झूल जाता है तो कोई जहर खा लेता है। दिमाग तो तब खराब हो जाता है जब यह सुनने को मिलता है कि मां ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर खुद जहर खा लिया। सवाल यह है कि खुद से हर शख्स को सबसे ज्यादा प्यार होता है तो फिर सुसाइड क्यों? और जो मां अपने बच्चों के लिए काल के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाए, वही मां अपने बच्चों की कातिल कैसे बन जाती है? तो जवाब है डिप्रेशन, जिसे अवसाद भी कहा जाता है। आज इस शो में हम इसी जानलेवा मानसिक विकार के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमें डॉक्टर चौहान। सर, WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत डिप्रेशन से बुरी तरह प्रभावित देशों में शामिल हैं। दुनिया भर में डिप्रेशन से प्रभावित लोगों की संख्या करीब 32.2 करोड़ है, जिसका 50% सिर्फ इन 2 देशों में है। ऐसे में हमारे दर्शकों को यह बताएं कि कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार क्यों होता है और इस मानसिक विकार से बचने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है। देखिए, बहुत चिंता का विषय है जो आंकड़े आपने बताए हैं। डिप्रेशन जो है वो डेफिनेटली एक मानसिक रोग है और इससे पीड़ित व्यक्ति जो है उसको उदासी रहती है, खालीपन रहता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी मेमोरी पर जो है काफ़ी फर्क पड़ता है और चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो आपने भी बड़े स्पष्ट तरीके से बताई, कि सुसाइडल जो व्यक्ति हो जाता है डिप्रेशन में, सुसाइड कर भी लेता है और सुसाइड के थॉट्स आते हैं। कई लोग कई बार ट्राई कर चुके होते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज इसकी होती है। तो अब ऐसे तो कभी कभार हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत डिप्रेशन होता है, लेकिन ये जब प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है तो उसको हम रोग का नाम देते हैं और उसकी चिकित्सा डेफिनेटली करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन है लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि इसका इलाज करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, काफी सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। खास तौर से कोरोना काल में जो है डिप्रेशन के पेशेंट्स की संख्या और बढ़ गई है। हमारे पास तो बहुत केसेस आते हैं डिप्रेशन के, क्योंकि किसी के फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी को फियर है, किसी की अपने प्रिय की मृत्यु हो गई है, या कोई सोशल कॉन्टेक्ट नहीं रहा कोरोना में, घर में बंद हो गए, या फिर जो है बहुत ज्यादा जो है एक वर्क फ्रॉम होम से भी बहुत लोग बोर हो चुके हैं तो वो कनेक्ट नहीं है, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। आयुर्वेद के अनुसार, जैसा कि आपने पूछा, हम सबसे पहले कारण को ही ढूंढते हैं। तो अगर टेक्निकल भाषा में हम कहें तो हमारा जो माइंड है, मन जो है, उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि जब हो जाती है, यानी कि सत्वगुण कम हो जाए, तमोगुण बढ़ जाए, जिससे कि माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, रजोगुण से काफी एक्टिविटी माइंड के अंदर हो जाती है, तो फिर उसके कारण ये मानसिक रोग आते हैं। बचाव के लिए देखिए, सबसे सरल उपाय मैं बताता हूं कि एक तो कोशिश करनी चाहिए मन को प्रसन्न रखने की। उसमें म्यूजिक आप सुन सकते हैं, कोई चीज ऐसी जो आपके मन को अच्छी लगे, कई बार एरोमा बहुत अच्छा लगता है। और जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट, ये तो मैं बार बार कहता हूं आपको, जीवा की ब्राह्मी टैबलेट, जीवा की अश्वगंधा टैबलेट, ये तो नॉर्मल लेवल पर भी आपके नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को नरिशमेंट पहुंचाती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जीवा की स्लीप वेल टैबलेट ले लीजिए। दुनिया भर में कितने सारे लोग हैं ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए जो हर रोज लेते हैं इनको, इसलिए नहीं कि उनको कोई ऐसी तकलीफ है, क्योंकि आज जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे चारों तरफ कि आप ना करते हुए भी जो है बहुत चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। और सिर में मालिश करिए, तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं, नाक में बादाम का तेल डालिए, और या तो मालिश के लिए जीवा का भृंगराज या आंवला तेल, बालों के लिए भी अच्छा है और ब्रेन को भी आपके शांत करता है। हमारी दैनिक परिस्थितियां बहुत हद तक डिप्रेशन को जन्म देती हैं, लेकिन ये दिमाग पर हावी ना हो,
इसका ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। सर, डिप्रेशन के केस में आयुर्वेद कैसे काम करता है और जीवा आयुर्वेद ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट कैसे करता है? देखिए, डेफिनेटली जीवा में तो हमेशा आपको हम बताते हैं कि कोई भी रोग हो उसका पहले रूट कॉज समझा जाता है, उसका इलाज होता है, क्योंकि ये मानसिक लेवल का रोग है। तो डिप्रेशन के इलाज में काउंसलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो पेशेंट को प्रशिक्षित करना, उसके रूट कॉज को समझ करके सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने पहले शुरू में बताया कि सुसाइड कब करेगा आदमी, जब उसको लगेगा कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं। हमारी जो संस्था का DNA है उसमें कंपैशन, एम्पैथी और सद्भाव, सद्भाव से काम करना, प्रेम से काम करना। तो हमारे जितने भी जो आपके पास जो जो भी जिससे भी संपर्क आपका होगा उनको ये ट्रेनिंग है। पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके माइंड को पॉजिटिव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पर वो कोई चीज मिस कर रहा है उसको समझ करके उसकी गाइडेंस, वो उदास क्यों है, वो नेगेटिव क्यों है, उसके साथ क्या ऐसा हुआ है जिसके कारण से वो डिप्रेशन में जा रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम कंसल्टेशन करते हैं मानसिक रोगी से, अवसाद के रोगी से, डिप्रेशन के रोगी से, तो ये सारी चीजें उसमें ध्यान रखी जाती हैं। और इस सब की जो चिकित्सा है उसको आयुर्वेद में कहा जाता है सत्वावजय चिकित्सा, यानी कि माइंड के अंदर सत्व गुण को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। डिप्रेशन में योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। हमेशा जो है प्राणायाम से, योग से माइंड आपका मजबूत होता है। जीवाग्राम में तो हम लोग म्यूजिक थेरेपी भी कराते हैं, राग चिकित्सा, आर्ट थेरेपी भी कराते हैं। हमारे यहाँ पर जीवा में जब आप आते हो तो सात्विक ऑर्गेनिक भोजन मिलता है, उसके साथ साथ सात्विक म्यूजिक वहां रहता है। पंचकर्मा ट्रीटमेंट आपको कराई जाती है, शिरोधारा, अभ्यंगा, नस्य। तो ये प्रॉपर चिकित्सा जीवा में अवसाद की भी होती है और अनेक प्रकार के जो मानसिक रोग हैं उनकी भी चिकित्सा जीवा में हम लोग करते हैं। केवल फिजिकल बीमारियों की नहीं करते, मेंटल डिजीजेस की भी इलाज होती है। मैं हमेशा आपके साथ अपना डेटा शेयर करता हूं, पिछले एक साल के अंदर डिप्रेशन के, केवल डिप्रेशन के 8572 केसेस आए, जैसा आपको यहां स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। इसमें अगर कारण के हिसाब से हम इनको एनालाइज करें तो सबसे बड़ा कारण है इमोशनल ट्रॉमा। कोई ब्रेकअप हो गया, घर में किसी से कोई झगड़ा हो गया, इमोशनल प्रॉब्लम कहीं चल रही, 35% लोग इमोशनल ट्रॉमा के कारण उनको डिप्रेशन हुआ। लगातार जो है फियर की एक कॉन्स्टेंट स्थिति बनी रही, डर, जैसे कोरोना काल में बहुत फियर फेस किया लोगों ने, 16% लोग ऐसे थे जो कॉन्स्टेंटली फियर की कंडीशन में थे, उनको डिप्रेशन हुआ। मानसिक तनाव के कारण 15% लोगों को डिप्रेशन हुआ, अनिद्रा के कारण 15% लोगों को डिप्रेशन। फैमिली हिस्ट्री, यानी कि परिवार में आपके माता पिता को पहले डिप्रेशन की हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट 9% हमें मिले। और बहुत इंटरेस्टिंग, बासी खाना या जंक फूड खाने से 8% लोगों को डिप्रेशन हुआ। क्यों? क्योंकि बासी खाना या जंक फूड जो है वो हमारे माइंड के अंदर तमोगुण को बढ़ाता है। तमोगुण बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका माइंड डल हो जाएगा, अवसादित हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो जीवा में इस प्रकार से हम हर केस को रूट कॉज के दृष्टि से समझ करके फिर उसका उपचार करते हैं। डॉक्टर चौहान, डिप्रेशन में योग, प्राणायाम और मेडिटेशन कितना लाभकारी है? क्या ऐसा कोई ऑनलाइन कोर्स जीवा आयुर्वेद करवाता है? जी देखिए, योग प्राणायाम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें है, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो एक मानसिक रोग है। और डिप्रेशन में क्या होता है, मन के अंदर तमोगुण, मुख्य रूप से तमोगुण बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्राण जो हमारा है, प्राण से बहुत क्लोज कनेक्शन हमारे माइंड का होता है। तो जब आपकी ब्रीदिंग, अगर कई तरह के जो प्राणायाम होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, या भस्त्रिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये प्राणायाम किस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये सूक्ष्म लेवल पर जाकर के हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे माइंड के अंदर जो तमोगुण, रजोगुण जो भरा हुआ है उसको ये दूर करके सत्वगुण को बढ़ाते हैं। और प्राण तो सिंपल भाषा में समझें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन में अधिक ऑक्सीजन रहेगी
तो आपकी ब्रेन की फैकल्टीज बहुत अच्छा काम करेंगी। उसके साथ साथ जो है योग के साथ साथ, जैसा कि हम बताते हैं, सात्विक भोजन आप देखिए क्या खा रहे हैं लोग आजकल, तामसिक और राजसिक भोजन ज्यादा खाते हैं, चाय, कॉफी, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब रजोगुण बढ़ाने वाला है। तो सात्विक भोजन, और भोजन की बात जब आयुर्वेद में हम करते हैं तो नॉट ओनली व्हाट वी आर ईटिंग फ्रॉम योर माउथ, आप क्या देख रहे हैं, कौन सी तरह की मूवीज देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, अगर वो नेगेटिव है, एग्रेसिव है, वॉयलेंट है, तो आपका माइंड रजोगुण में जाएगा। शांति देने वाला है, मन को प्रसन्न करने वाला है, तो सात्विक होगा। क्या सुन रहे हैं, म्यूजिक किस तरह का सुन रहे हैं, तो ये सभी चीजें जो है हमारे यहाँ जीवा में हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और इस तरह के कोर्सेज हमने बनाए, जैसे आपने पूछा, इस तरह के कोर्सेज हमने बनाए हैं जो कि हमारी जीवा अकेडमी ऑफ वेलबींग जिसको हम कहते हैं उस पर अवेलेबल है। academy.jeeva.com ये वेबसाइट है, नहीं तो jeeva.com पर जाकर वहां भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं। और विशेष रूप से एक मेडिटेशन बड़ी अच्छी बनाई है मैंने, आपको भी अगर ये चाहिए तो YouTube पर सर्च करिए जीवा मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन करने से भी आपको मन को शक्ति मिलती है और आपको प्रसन्नता मिलती है। सर, डिप्रेशन के मरीज को बार बार मोटिवेट करने की जरूरत होती है, ऐसे मरीजों के लिए जीवा आयुर्वेद अपने टेलीमेडिसिन के जरिए मरीज को कैसे मोटिवेट करता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में सत्वावजय चिकित्सा, इसके बारे में विशेष रूप से लिखा है। क्या क्या होता है इसमें? आश्वासन, अश्योरेंस दी जाती है पेशेंट, ये इसके पार्ट है। निर्देशन, गाइडेंस दिया जाता है पेशेंट को, उसके साथ साथ उसको एजुकेट किया जाता है, प्रशिक्षण उसको कहते हैं, या फिर जो है डिसेंसिटाइज करते हैं विषम वेदना उसकी, जो जहां उसका जो एक लगा हुआ है वहां से उसको हटा करके दूसरी चीज में लगाना। कॉम्पैशन, प्रीति पेशेंट के प्रति, ट्रीटिंग द पेशेंट विद लव, लव इज अ वेरी नाइस मेडिसिन फॉर डिप्रेशन। तो जो भी हमारे जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी है, उनको हम ये सब चीज में एक ट्रेनिंग देते हैं, मन के अंदर पॉजिटिविटी कैसे बढ़ानी। जीवा ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग चिकित्सा में ही काम करेंगे और पूरे विश्व में आयुर्वेद को स्थापित करेंगे। एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको मालूम चलेगा कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये जो पेशेंट है जो आपके सामने, जो स्क्रीन पर मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूं, इसमें ये पेशेंट हमारे जीवा कानपुर क्लिनिक में आया, और वहां पर जो है इसने, जब हमारे डॉक्टर ने बातचीत की तो ये निर्णय हुआ कि ये कम से कम 3-4 साल पुराना डिप्रेशन का केस था। लेकिन अच्छी बात यह है, अगेन बिकॉज द पावर ऑफ द डॉक्टर्स काउंसलिंग, काउंसलिंग की जो शक्ति है आपस में बात करने की, कनेक्ट पेशेंट से जो कनेक्ट बन जाता है, तो मोटिवेशन तो एक मिनट में हो जाता है कई बार। तो ये पेशेंट 4 महीने में बिल्कुल ठीक हुआ, 3 महीने के बाद तो काफी इंप्रूवमेंट इसको आ गया था, लेकिन इसने फिर प्रॉपर 4 महीने दवाई ली। इसको क्या था, नेगेटिव थॉट्स बहुत रहती थी, खाने में रुचि नहीं होती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था इसको, और साहस की कमी थी एक तरह से, जो एक होता ना आदमी में एक मनोबल नहीं होता, सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम भी थी। तो इसने मेडिसिन भी ली वहां से, और फिर इसने 10 दिन का पंचकर्म भी हमारे साथ किया, जिसमें शिरोधारा, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, ये सब टेक्निकल शब्द हैं, आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं आपको कि ये पेशेंट 4 महीने में बिल्कुल ठीक हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत धन्यवाद उसने हमें दिया। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अगर अवसाद से, डिप्रेशन से पीड़ित हैं, या किसी भी तरह के मानसिक रोग, बहुत सारे मानसिक रोग हैं, बाइपोलर डिजीज है, ऑब्सेशन है, OCD है, स्किजोफ्रेनिया है, केसेस बड़े डिफिकल्ट होते हैं ये, लेकिन इसमें दवाई के साथ साथ एक डॉक्टर का कनेक्ट, उसके अलावा पंचकर्म, डाइट, सात्विक भोजन, ये सब चीज मिला करके डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला डिप्रेशन का शिकार है तो बिना देर किए सेहत का ये नंबर डायल कीजिए, क्योंकि इस केस में देरी अक्सर जानलेवा साबित होती है। चलिए, अब बारी है डॉक्टर चौहान से सेहत का सवाल पूछने की, और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेहत का सवाल लेकर। चलिए सुनते हैं उनकी समस्या क्या है। नमस्ते डॉक्टर चौहान, मैं कमलेश सिंह बनारस से बोल रही हूँ।
मेरे घुटनों में काफी दिन से जो है दर्द है। मैं काफी इलाज कराई लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। मैं काफी दिन से जो है आपका आपको टीवी पे सुन रही थी। मैंने सोचा कि आपसे जो है कुछ परामर्श किया जाए, तो मुझे कुछ ऐसा उपचार बताएं जिससे मुझे बहुत जल्दी उससे आराम मिल सके, और कुछ योग भी बताएं। जी देखिए, आपका प्रश्न पूछा जो आपने कि आपको जोड़ों में दर्द है घुटनों में, और बहुत सारा इलाज आपने करा लिया, आराम नहीं आ रहा है। देखिए आराम कैसे आएगा, जब तक हम जड़ को ठीक नहीं करेंगे तो आराम नहीं आने वाला। जैसा मैंने देखा आपको वीडियो के माध्यम से, तो मैं पहली चीज आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा आपको वजन कम करना है। जहां तक मुझे देखने से ही पता चल रहा है, अभी डिटेल में तो बात हुई नहीं आपसे कोई, और केवल आपका हमें रोग पता चला है और आपको देखा है हमने वीडियो में, तो इससे मुझे मालूम चल रहा है कि आपके जोड़ों के दर्द का कारण है ओवरवेट। जब तक वजन कम नहीं होगा दर्द ठीक नहीं होगा। तो आप कराते रहिए इलाज, आप अपना पैसा भी खराब करेंगे, आप जो है अपने शरीर को भी खराब करेंगे, क्योंकि ज्यादातर पेन किलर लिया होगा आपने। लेकिन आयुर्वेद जो है वो एलोपैथी की तरह ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ये गोली खा लो तो इससे आपका दर्द ठीक हो जाए। हम तो जड़ को ढूंढते हैं, और जड़ आपका मोटापा है। जब तक मोटापे पर काम नहीं करेंगे ठीक नहीं होगा। बनारस में आप रहते हैं, एक बार हमारी क्लिनिक पर चले जाइए, और जब वहां जाएं तो वहां से स्लिम टी जरूर ले लेना। जिन लोगों को भी वेट लूज करना है जीवा की स्लिम टी अवश्य ट्राई करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, और दुनिया भर में लोग इसको यूज करते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अच्छे रिजल्ट। कोई भी शख्स डिप्रेशन की कई अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें पहली अवस्था निराशा होती है, फिर हताशा होती है, उसके बाद तनाव पैदा होता है, जिसकी चरम स्थिति होने पर शख्स डिप्रेशन में चला जाता है। डॉक्टर चौहान, आज की तनाव भरी जिंदगी में हमारे दर्शक डिप्रेशन से कैसे बचे, इसका कोई कारगर तरीका बताएं। देखिए सरल तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो जो स्टिमुलेशन करने वाली चीजें उनसे दूर रहिए, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग या कुछ ऐसी चीजें देखना जिससे स्टिमुलेट उत्तेजना आती है। उत्तेजना नहीं चाहिए। हर रोज कम से कम 30 मिनट आप एक्सरसाइज करें, और थोड़ा धूप सेवन भी करें। सूरज से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर। नेगेटिव कंटेंट कोई भी हो जो आपके मन को नेगेटिव करता है उससे दूर रहना। म्यूजिक सुने, गाना गाएं, डांस करें, एंड लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना चाहिए। कहीं फ्रेंड सर्कल में पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल बनाओ, उनके साथ बैठो, चुटकुले सुनाओ या कोई कॉमेडी की चीज देखिए। सिर में मालिश करो, पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश करो, प्राणायाम करिए रोज, और जीवा मेडिटेशन रोज करना है। साल में एक बार पंचकर्म जरूर करा लीजिए, बॉडी माइंड सबकी ओवरहॉलिंग हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। चलिए डॉक्टर साहब, सेहत का सवाल लेकर एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी समस्या भी सुन लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं हरियाणा महेंद्रगढ़ से मंजू देवी बोल रही हूँ। मेरी उम्र 63 साल है। मैं लगभग 10 सालों से शुगर से पीड़ित हूँ। इसके लिए मैं ना अंग्रेजी दवाइयाँ 1000 mg की सुबह, 1000 mg की शाम खाती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपका प्रोग्राम लगभग 4-5 सालों से देख रही हूँ, लेकिन बात करने का अवसर मुझे अब मिला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आयुर्वेद में शुगर का कोई इलाज संभव है, या मेरी दवाइयाँ कुछ कम हो सकती हैं, क्योंकि दवाइयाँ की वजह से कब्ज की भी काफ़ी परेशानी होती है। डॉक्टर साहब, आप मेरा मार्गदर्शन करें, सुझाव। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यही एक शिकायत कर रहा हूँ कि आप 3-4 साल से हमारा शो देख रहे हैं, आपको शो भी अच्छा लगता है, और डायबिटीज आपको 10 साल पुरानी है, लेकिन आज तक आपने सोचा ही नहीं इस बारे में कि हमें डायबिटीज की दवाई लेनी चाहिए आयुर्वेद में। हम तो कितनी बार बताते हैं अपने शो में कि डायबिटीज के पेशेंट बेशक टैबलेट भी ले रहे हैं, और आप तो डोज भी काफी हाई ले रहे हैं गोली जो ले रहे हैं, तो बेशक आप उसको शुगर कंट्रोल करने के लिए टैबलेट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आयुर्वेद से जुड़ना है, क्योंकि आपको अपने धातुओं को मजबूत करना है, ओजस को मजबूत करना है, अग्नि को मजबूत करना है, दोषों को सुरक्षित रखना है, किडनी को सुरक्षित करना है, हार्ट को सुरक्षित करना है, आंखों को सुरक्षित करना है, बहुत सारे
कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के हम आपको गिनवाते रहते हैं, तो आप देर मत करिए। आपसे निवेदन है कि एक तुरंत वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लो हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स के साथ, और प्रॉपर अच्छी तरह से, उसमें टाइम लगता है 15-20 मिनट आधा घंटा कंसल्टेशन आपके साथ चलती है प्रॉपर, और उसके पश्चात फिर निर्णय निकाला जाता है कि कौन कौन सी दवाई आपको दी जाएंगी। तो अगर आप भी डिप्रेशन या किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अभी जीवा के डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए कंसल्टेशन बुक करें और समस्या का समाधान पाएं। जीवा के सेहत का नंबर है 01294044044। डॉक्टर साहब, आज आपने डिप्रेशन के बारे में हमारे दर्शकों को न सिर्फ जागरूक किया बल्कि इससे बचने का समाधान भी बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। किसी भी तरह का तनाव हो तो उसे दिल दिमाग में न रखें, किसी से शेयर करें, और अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है तो सेहत का ये नंबर जरूर डायल करें, क्योंकि यहां न सिर्फ आपकी बात सुनी जाएगी बल्कि आपको डिप्रेशन से निकलने में पूरी मदद भी दी जाएगी। जीवा हेल्थ शो विद डॉक्टर प्रताप चौहान में कल किसी और बीमारी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको घर बैठे उसका समाधान भी बताएंगे। नमस्कार।